तो मैं हरी सर एक बार फिर आप सभी बच्चों का चलो कदम बढ़ाए चैनल पर स्वागत करता हूं। और आइए चलते हैं हम प्रायद्वीज के अगले पार्ट में, जिसमें मैंने यहां पर लिखा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फ्लोइंग सिलेंडर्स। यहां पर टू सिलेंडर दिए हुए हैं, मैं इन पे लिख देता हूं नाम, सिलेंडर ए और ये सिलेंडर बी। ठीक है बच्चों, हमें इनकी वॉल्यूम फाइंड करनी है, यानी इनके अंदर भी कितना सामान आ सकता है। आप ये देख सकते हैं इस टाइप से सिलेंडर है, और ये तो ऐसे बना हुआ है सिलेंडर, और ये इस टाइप से बना हुआ है। तो इसमें जो लेंथ है, रेडियस है, वो सब इसमें गिवन है। और बच्चों ये वाला पार्ट मैं आपको बता दूं, ये बेस कहलाता है, और आप देख सकते हैं ये सर्कल है, और इसका अगर हमें निकालना हो तो एरिया ऑफ सर्कल से हम इसका एरिया निकालते हैं जो फॉर्मूला होता है। और इधर भी ये बेस है, ठीक है, इसको बेस बोलते हैं, और बेस आप देख रहे हैं सर्कुलर है, और इसका जब एरिया निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर से निकालते हैं। और इसके अंदर हमें कितना सामान आना है, कितना सामान हम ला सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर सामान डाल सकते हैं, इसे ही वॉल्यूम बोलते हैं। तो आइए इस टाइप के दो डब्बे हैं, मैं इनसे अब वॉल्यूम निकाल के दिखाता हूँ। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है सबसे पहले बच्चों, एरिया ऑफ बेस, ठीक है, इनटू हाइट। ये बच्चों ये, ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है इसका वॉल्यूम निकालने का। अब एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, क्योंकि सर्कुलर होता है, तो जो सर्कल का होता है वही ये निकालना है, तो यानी पाई आर स्क्वेयर, ठीक है, ये होता है, और इनटू में ये एच, हाइट जो है वो एच से मानेंगे, तो पाई आर स्क्वेयर एच। अगर इसको मैं कंबाइन में लिखूं तो पाई आर स्क्वेयर एच, ये फॉर्मूले से हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं। आइए सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, ठीक है, सिलेंडर ए की वॉल्यूम निकालनी है। सबसे पहले पाई, की जगह पाई की वैल्यू लिखिए 22/7। अब आर, क्या है, रेडियस जो इसमें 7 है, तो आर स्क्वेयर है, तो यानी स्क्वेयर का मतलब होता है उसको 2 टाइम्स लिखना है, 7 × 7, ठीक है। मैं इधर बताता हूँ, जैसे 7 स्क्वेयर है तो इसका मतलब होता है 7 × 7, ठीक है बच्चों, ये मतलब होता है स्क्वेयर का। तो आगे लिखा इंटू एच, का मतलब ये हाइट, यानी ये लेंथ हो गई, मैंने जैसे बताया था इसको खड़ा कर दे तो हाइट बन जाती है, अब लेंथ बन गई, तो सेम चीज है वो, तो 10, ठीक है बच्चों। आइए हम इसको डिवाइड कर देते हैं, आप 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 2 = 14, कैरी 1, 7 × 2 = 14 और 1 = 15, और इसमें इसको जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 154 × 154, और इसमें 10 है तो 10 लगा देंगे, अब ये आपकी वॉल्यूम आ गई, ठीक है बच्चों, वॉल्यूम को हम क्यूब में लिखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए की वॉल्यूम हमने निकाल ली है, आइए हम बी की भी निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, ठीक है, फॉर्मूला वही लगेगा, पाई आर स्क्वेयर एच, पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है बच्चों, ये पाई की वैल्यू 22/7। आइए मैं थोड़ा सा इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, देखिए यहां पर, मैंने इसे ब्लैक किया, यानी ये बेस, का एरिया ऑलरेडी गिवन है, तो आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो एरिया और बेस क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर, तो जहां पे पाई आर स्क्वेयर लिखा है, ये वाला पाई आर स्क्वेयर लिखा है, तो उसकी जगह आपको सीधा क्या लिखना है, 250 और इनटू एच, का मतलब 2, ठीक है बच्चों, इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है एरिया ऑफ बेस, ठीक है। तो एरिया ऑफ बेस और फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर, तो पाई आर स्क्वेयर की जगह हम क्या लिखेंगे, 250 और इनटू 2।
अब 250 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 252 जा 500, तो 500 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो बच्चों ये आपका ट्राइडीज कंप्लीट हुआ, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें, और अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसमें से सीखकर बच्चों, मैं आपको हर बार बोलता हूँ, इसमें से सीखकर आप दूसरे बच्चों को जरूर सिखाएं, क्योंकि जब आप दूसरे बच्चे को सिखाते हैं तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है और उनको सीखने को मिलता है। ये मत सोचना कि हम उसको सिखाएंगे तो हमसे ज़्यादा उसको आएगा, जी ये बिल्कुल गलत है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा ईजी हो जाएगा सोल्व करना। तो बच्चों इसमें से सीखकर दूसरे गरीब बच्चों को जरूर सिखाएं, चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।